आरजेडी के कार्यक्रम में जब एक महिला ने बीजेपी के जिंदाबाद के लगाने लगे नारे तो मच गया हरकंप। आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा महिला के साथ की गई बदसलूकी। आपको बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के गोबरसही स्थित एक निजी होटल का है, जहां की आज आरजेडी के द्वारा जो है एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वही कार्यक्रम चल ही रहा था, इसी बीच महिला एक छोटी बच्ची के साथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगी, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने लगी, जिसके बाद आरजेडी कार्यकर्ता जो है वह भड़क गए और महिला के साथ बदसलूकी करने लगे। हद तब हो गई जो अगर पत्रकार समय नहीं पहुंचते तो फिर महिला के साथ और भी बदसलूकी की जाती। आपको बताते चले कि महिला मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, जिस कारण आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वह भड़क गए और महिला के साथ बदसलूकी करने लगे, लेकिन पत्रकारों के कारण महिला को ससुरक्षित वहां से निकाला गया। वहीं आरजेडी कार्यकर्ता जो थे उनका कहना था कि महिला जो थी वह बीजेपी का एजेंट थी और जानबूझकर कार्यक्रम में हंगामा करने पहुंची थी, लेकिन क्या इस स्वतंत्र देश में महिला के साथ इस तरह की बदतमीजी कहां तक जायज है? पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है महिला और क्या कह रहे हैं आरजेडी के लोग, पहले आपको सुनाते हैं। हम सामान्य आदमी है, हम सामान्य आदमी है। हाँ ठीक है, अभी बाहर से आइए, दौड़ते हुए बाहर जाइए और जा रही है, अभी बाहर से आइए, अभी बाहर से दौड़ते हुए, अभी बाहर से। भारतीय जनता पार्टी का ये भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंट है, अभी जस्ट गई है और फिर अरे एजेंट घूम रही है, एजेंट घूम रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, बीजेपी, बीजेपी का, अरे बीजेपी का एजेंट घूम करके क्या बोल रही है, क्या बोल रही है वो, अरे उसका काय को बेस है पूछे उससे, अरे एक आदमी है उसके साथ जन सैलाब, यहाँ तेजस्वी यादव लालू यादव का हूँ, क्या बोल रही है वो, अरे हम लोग महिला जान के इज्जत कर रहे हैं उसका, क्या हम यही लोग, हम लोग देखे रहे क्या है वो, अरे इस तरह से बोल रही है। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब आरजेडी के कार्यक्रम में एक महिला छोटी बच्ची के साथ पहुंचती है और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है, जिसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वह उस महिला पर भड़क जाते हैं और महिला के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। हालांकि पत्रकार के सामने रहने के कारण महिला को वहां से ससुरक्षित निकाला जाता है। बावजूद इसके आरजेडी कार्यकर्ता कहते हैं कि वह महिला जो आई थी वह बीजेपी का एजेंट थी और जानबूझकर वह कार्यक्रम में हंगामा कर रही थी, जिसलिए उसको यहां से हटाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ बिहार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया जाता है, तो दूसरी तरफ इस तरह महिला के साथ बदसलूकी कहां तक जायज है? मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।